वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे आप एट्रीब्यूट डेटा को चेंज कर सकते हैं, कैसे बने हुए वेक्टर डेटा में आप एक नया से फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर डेटा है, इसका एट्रीब्यूट देखने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, एट्रीब्यूट टेबल पे जाना है, अभी मान के चलते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसे मुझे चेंज करना है। तो जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से कुछ भी एक नाम टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ का नाम कोटा टाइप कर दिया। सेव करने के लिए ऑटोमेटिक ये सेव हो गया। फिर से देखते हैं, ये देखिए हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप अपने एट्रीब्यूट डेटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक-एक करके खोजना पड़ेगा। आप चाहें तो किसी पॉलीगन को सिलेक्ट करके भी आप एट्रीब्यूट डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक करके एडिट एट्रीब्यूट में जाना है। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो एरो है उसके बगल में आपको एक छोटा सा स्क्वायर हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब है कि वो टूल अब हाईलाइट हो चुका है। तो मान के चलते हैं कि ये जो हमारा एक पॉलीगन है मुझे इसका एट्रीब्यूट चेंज करना है। तो जस्ट मुझे इस पर क्लिक करना है, तो उस जगह का जो भी एट्रीब्यूट है ये ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से फिर से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे तालुका आईडी 37 है तो मैं इसे 38 कर दिया, एक वर्ड में डिलीट कर देता हूँ, राजगढ़ कर देता हूँ एंड ओके। फिर किसी और को चेंज करना है तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर इसी तरीके से आप उससे भी चेंज कर सकते हैं। देखने के लिए फिर से आपको राइट क्लिक करना है, एट्रीब्यूट टेबल पे जाना है, अभी मैं राजगढ़ को अपडेट किया था। तो ये देखिए ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एट्रीब्यूट डेटा को चेंज कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट डेटा में बहुत सारे फील्ड बने हुए हैं, जैसे ओजीसी फील्ड, एरिया, पेरीमीटर, तालुका आईडी, टी कोड, टी नेम, इस तरीके से। अब आप चाहते हैं कि इसमें एक और ऐड फील्ड हो जाए, जैसे कि क्लास सिटी के नाम से, कि कौन सा क्लास में कैसा है, कि ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, इस तरीके से आपको एक नया ऐड फील्ड करना है। तो उसे कैसे ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। फिर से डेटाबेस में जाना है आपको। अभी ये देखेंगे कि ये एडिट टेबल स्ट्रक्चर हाईलाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा ड्रॉ फीचर्स में स्टॉप एडिटिंग अभी तक हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टॉप एडिटिंग करना है, सेव, यस। अब जब आप डेटाबेस में जाएंगे तो यहाँ पे एडिट टेबल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तालुका का जितने भी फील्ड हैं वो सारे आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहे होंगे। आप इवेन किसी फील्ड का जो नाम है जैसे टी नेम, उसे आप रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से आप उस पूरे फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ऐड न्यू फील्ड, आप यहाँ से एक नया फील्ड जनरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक नया फील्ड ऐड करता हूँ क्लास नाम से, ऐड न्यू फील्ड। यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया क्लास, फील्ड टाइप। यहाँ से आपको क्लास में जो आप वैल्यू पुट करेंगे उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, तो मैं इसका टेक्स्ट रख देता हूँ एंड ओके। अभी मैं फिर से राइट क्लिक करके एट्रीब्यूट टेबल खोलता हूँ। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा कि हमने जो ऐड फील्ड किया क्लास का, तो उसे देखने के लिए आपको शो एंड हाइड पे जाना है। यहाँ पे आपको क्लास पे सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये देखिए हमारा एक ऐड फील्ड क्लास
आ चुका है। अब इसमें चाहे तो आप कुछ इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, जैसे ये क्लास वन सिटी है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इस तरीके से। फिर इसे सेव करने के लिए क्रॉस करना है और यस। अगेन आपको कोई पार्टिकुलर पॉलीगन के ऊपर क्लास को देखना है या चेंज करना है तो अगेन हम राइट क्लिक करेंगे और एडिट एट्रीब्यूट क्लिक करेंगे, या फिर आप डेटाबेस में जाके यहाँ से भी एडिट एट्रीब्यूट सिलेक्ट करके किसी एक पॉलीगन को सिलेक्ट कर लीजिए, उस पॉलीगन का आपका एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से आप क्लास का नाम दे दीजिए। फिर से स्टॉप, सेव प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सीखा कि कैसे आप एक वेक्टर डेटा को उसके एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं, कैसे आप एक नया ऐड फील्ड कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।